नमस्कार, एग्री कॉन कॉल में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने एग्री मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ मार्केट को ट्रेड करते हुए देखा। जिस दिन से इक्विटी मार्केट का सेंटिमेंट इंप्रूव होते हुए देखा शुक्रवार को, उसका सीधा सीधा असर हमने एग्री मार्केट पे भी आते हुए देखा, जहां हमने सोया कॉम्प्लेक्स को अच्छी तेजी के साथ मार्केट मूव करते हुए देखे। मसालों में भी हमने अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी। चने में 1.5% की तेजी, कॉटन सीड ऑयल केक में 1% की तेजी, बट गवार सीड गवार गम में फिर से गिरावट आते हुए देखी, जिस दिन से क्रूड में गिरावट का रुख कायम था। आज के सेशन की बात करें तो कॉटन में अभी भी गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है। 17,000 के नीचे काउंटर काफ़ी वीक है टेक्निकली, जो 16,400-16,500 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं कपास में भी हमें लगता है 980 के नीचे ट्रेंड वीक रहेगा, जो 950 तक का लेवल कपास में देखने मिल जाएगा। और एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो शॉर्टेजेस के चलते मार्केट में बड़ा उछाल आ सकता है। जिस ढंग से लॉकडाउन सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं होर्डिंग की बातें चल रही है, जो कहीं ना कहीं एडिबल कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट कर सकता है, खास करके सीपीओ और रिफाइंड सोया, जिसमें हमें लगता है 680-685 का लेवल सीपीओ में और रिफाइंड सोया में भी 780 तक के लेवल दिखा देंगे। सोयाबीन वैसे भी प्राइसेस में काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद एक अट्रैक्टिव लेवल पे है, बट आई थिंक मार्केट में एक शॉर्टेजेस के चलते प्राइसेस में एक अच्छा उछाल आ सकता है। लॉन्ग टर्म अभी भी क्वेश्चन है। जिस ढंग से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन पर 31 मार्च तक सभी मेजर स्टेट्स में पहुंच चुकी है, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा डिमांड को भी, बट एज ऑफ नाउ मार्केट हायर वॉलिटी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर मसालों की बात करें, मसालों में भी हमने 1.5% की तेजी, हल्दी में, चने में भी रिकवरी आते हुए देखी।